हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है मंगलवार, 10 तारीख हो गई है और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम हुआ है। सो मैं लगी हुई हूँ नाश्ता बनाने और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, जो हमने बहुत दिनों बाद बनाए। बहुत दिनों बाद हम मूली के पराठे खाएंगे। पिछली पूरी सर्दियाँ चली गई लेकिन मैंने एक बार भी मूली के पराठे नहीं बनाए और अब की बार तो सर्दी आने से पहले ही बना ली है, क्योंकि कल है ना ये मैं मूली लेके आई थी और ये इतनी तीखी मूली थी ना, कल मैंने सैलेड में एक मूली काटी तो मेरे से और मम्मी से तो खाई ही नहीं गई, पूरी मूली सुमित ने ही खाई। तो मैंने सोचा इनके पराठे ही बना लेती हूँ, सैलेड में तो ये खाई नहीं जाएंगी, इतनी तीखी हैं, आँखों में से पानी आ रहा था खाते टाइम भी। तो इनके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, तीखी मूलियों के पराठे अच्छे बनते हैं, तो इसीलिए मैं लग गई पराठे बनाने। और मैं है ना भर के मूली और तब पराठे बनाऊंगी। दो तरह से बनाती हूँ मैं पराठे, एक तो मूलियों को भर के और एक जैसे कद्दूकस करके आटे में ही गूंद लेती हूँ मूलियों को। तो अब की बार मैं भर के बना रही हूँ, तो उसके लिए मूलियों को मैंने छील के धो के अच्छे से और कद्दूकस कर लिया है और फिर उसमें है ना नमक मिला के रख दिया है, ताकि जो भी पानी हो इन मूलियों में है तो वो अलग हो जाए। तो नमक मिलाने से है ना मूली पानी और भी छोड़ देंगी, वैसे तो पानी होता ही है मूली में, तो नमक मिलाने से और पानी छोड़ देंगी। तो थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया, 15-20 मिनट के लिए, और तब तक मैं अपना आटा गूंद रही हूँ। तो मैंने 1.5 कटोरी ले लिया गेहूं का आटा और आधी कटोरी इसमें बेसन डाल लिया है। तो बेसन से है ना बढ़िया एकदम कुरकुरे पराठे बनेंगे, तो इसलिए दोनों चीज़ों को, गेहूं को और बेसन को, मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दी थी हाथों से क्रश करके, बस सारी चीज़ें मिला के और अभी आटा गूँथ लेती हूँ। और एकदम है ना सॉफ्ट मुलायम आटा गूँथना है, ना तो ज़्यादा ढीला और ना ज़्यादा टाइट, क्योंकि टाइट आटा गूँदने से ना इतने अच्छे पराठे नहीं बनते, बिलते भी अच्छे नहीं तो फट जाते हुए वो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा गूंदा है और उसको आटे को गूंथ के वो रख दिया है 5-10 मिनट रेस्ट होने के लिए। और मूलियों को चेक कर लेते हैं, तो इन्होंने भी पानी छोड़ दिया था, मतलब 15 मिनट हो गई थी इनको रखे हुए। तो बस अभी इनका पानी निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और बाउल में रख लिया छलनी और छलनी में कपड़ा बिछा लिया है और कपड़े में ये कद्दूकस की हुई मूली डाल ली है। और बस अब इनको हाथों से दबा दबा के अच्छे से इनका पानी निकाल लूँगी, सारा पानी नहीं छोड़ दूंगी, एकदम सूखी सूखी हो जाएंगी ये। और ये देखो कितना पानी निकल आया है ना मूली में से, 3 ही मूली थी और इतना पानी निकला है, मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो अभी इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको भी यूज़ कर लेंगे अब, या तो आटा बनाने में यूज़ कर लो, आटा तो मैंने बना लिया तो मैं इसको सब्जी बनाने में यूज़ कर लूँगी। और बस अभी मूली में मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, तो इनको मैंने कूट लिया था। और मैंने ना प्याज भी छोटे छोटे काट लिए थे, तो अभी यहाँ प्याज भी डाल दिए हैं। और अभी मसाले डाल रही हूँ, तो मसालों में मैंने डाला धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला, छोटे वाली चम्मच, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल लिया। और यहाँ है ना आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आमचूर पाउडर था नहीं तो मैंने नहीं डाला। और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल ली है और धनिया डाल लिया है, हरा धनिया कटा हुआ। बस अब इन सारी चीज़ों को मिला लूँगी। और यहाँ पर है ना मैंने नमक का यूज़ नहीं किया है, अगर मैं अभी नमक डाल दूँगी ना तो फिर से मूली पानी छोड़ देंगी और पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो नमक नहीं डाला, आटे में नमक हो गया और पहले मैंने नमक डाला था मूली में, तो ये इतना नमक काफ़ी है। और अभी आटे में मैंने घी डाल लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला है, और घी डाल के इसको अच्छे से फिर से मसल लूँगी, मतलब चिकना बना लूँगी बिल्कुल, तो आटा एकदम बढ़िया गूँथ जाएगा। और आटा जितना अच्छा गूँथेगा ना पराठे भी उतने ही अच्छे बनेंगे। और आटा मैंने गूँथ लिया है और अभी शुरू कर देते हैं पराठे बनाने। और थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है मैंने, तो बस अभी लोई तोड़ ली है और लोई को है ना मैंने कटोरी की तरह बना लिया, मतलब बीच में अंगूठा लगा के और जैसे अपनी कटोरी होती है ना वैसे शेप बना ली है। और इसके बीच में मैंने स्टफिंग भर दी है, मूली की स्टफिंग, और बस अब इसको अच्छे से बंद कर लूँगी, मतलब इसमें कोई सुराख नहीं रहना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी सुराख रह गया ना तो पराठा फट जाएगा और अच्छे से बनेगा नहीं। तो इसको मैंने अच्छे से बंद कर दिया है और चकले के ऊपर रख के ऐसे हाथों से प्रेस करके अच्छे से फैला लिया है, ताकि ये जो स्टफिंग है पूरे पराठे में अच्छे से फैल जाए। और बस हल्के हल्के हाथों से बेल दिया है, जैसे हम अपनी रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही हल्के हल्के हाथों से बेलना, नहीं तो ज़्यादा जोर दे दिया ना तो ये दब भी जाएगा, चिपक जाएगा। तो पराठा बन गया, बस अब इसको सेक लेते हैं। और पराठा तोए पे डालने से पहले मैंने तोए पे थोड़ा सा घी लगा लिया था और तब डाला था, बस अब इसको दोनों साइड से घी लगा के पलट पलट के अच्छे से सेक लूँगी, एकदम कुरारे कुरारे। मेरे को तो है ना कुरारे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो कच्चे कच्चे पराठे अच्छे नहीं लगते, तो मैं कुरारे कुरारे ही पराठे बनाती हूँ। ये देखो कितना बढ़िया पराठा बनाना है, एकदम कुरारा कुरारा।
तो बस सारे पराठे मैं ऐसे ही बना लूँगी, स्टफिंग भर भर के, कुरारे कुरारे सेक के, बढ़िया बढ़िया। तो पराठे बन के रेडी हो गए हैं, ये देखो सारे पराठे बना दिए हैं मैंने, एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मूली के पराठे। और इनको खाएंगे हम दही के साथ। दो दही में मैंने डाल लिया था जीरा पाउडर और काला नमक डाल लिया था, और बस अभी अचार, चटनी, लाल चटनी, ग्रीन चटनी और दही के साथ आ जाओ, आप सब भी खा लो मूली के और पराठे। अभी है ना शाम के 7 बज गए हैं, और अभी हम तीनों, मैं, मम्मी और सुमित, तीनों जा रहे हैं सेक्टर 23 की मार्केट, क्योंकि हमें है ना नायरा की ड्रेस लेनी थी। वैसे कल भी गए थे मैं और मम्मी लेने के लिए, इधर ही गए थे जो ये पार्क से उस साइड दुकान है ना, एक बड़ी सी दुकान खुल रही है, तो हमने सोचा वहां मिल जाएगी अच्छी ड्रेस, लेकिन वहां हमें कोई पसंद ही नहीं आई ड्रेस। तो आज हम सेक्टर 23 की मार्केट जा रहे हैं, वहां अच्छी अच्छी ड्रेसें हैं, तो देखते हैं अगर पसंद आई तो। और स्पेशल हमने रेड कलर की ड्रेस लेनी है, क्योंकि बर्थडे में है ना रेड ड्रेस का थीम, हम मतलब रेड कलर की ड्रेस पहननी है, तो स्पेशल हमें रेड कलर का ही फ्रॉक लेना है, तो देखते हैं वो मिल जाएगा। वैसे कम मिलते हैं रेड कलर के, क्योंकि इनके पास एक भी नहीं मिला था हमने रेड कलर का। तो अभी सेक्टर 23 के मार्केट में जाके देखेंगे, ढूंढेंगे, पर लेके जरूर आएंगे, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन रह गए ना, भेजनी भी है, तो चले चलते हैं मार्केट, घूम भी लेंगे, ड्रेस भी खरीद लेंगे और कुछ खा पी भी आएंगे। चलो चलते हैं, अभी सेक्टर 22 की मार्केट पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। शॉपिंग तो करके आ गए। और पहले है ना हम सेक्टर 23 की मार्केट ही गए थे, वहां से हमने शॉपिंग की और फिर है ना हमारा गोलगप्पे खाने का मन कर गया। वैसे तो मम्मी का कई दिनों से ही मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, और फिर हमने सुमित को बोला ना कि गोलगप्पे खाने हैं, तो बोला कि सेक्टर 22 की मार्केट लेके चलता हूँ तुम्हें, वहाँ बहुत ही अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। और मैं भी एक बार सुमित के साथ खा के गई थी, यहाँ के गोलगप्पे सच में ही अच्छे मिलते हैं। तो फिर हम इधर आए ना गोलगप्पे खाने के लिए, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है मनपसंद, तो हम जब भी मतलब बाहर खाना खाते हैं ना तो इसी रेस्टोरेंट पर खाते हैं। तो मम्मी बोली गोलगप्पे तो बाद में खाएंगे, पहले खाना खा लेते हैं। वैसे भी हमें काफ़ी दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए, पिछली बार हमने, मेरी और सुमित की वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, तब हमने एक बार खाना खाया था, वो भी देख लो मार्च में थी हमारी, और उसके बाद अभी खा रहे हैं। वैसे कभी कभी बाहर खाना खाने जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, और एक खाना बनाने से छुट्टी भी मिल जाती है। मम्मी अभी आई है, हम पहले आ गए। ऊपर क्या खाओगे, क्या खाओगे मंगा लो, सुमित लग गए ऑर्डर करने। मम्मी हाथ धोने गई है। पनीर टिक्का, हांडी पनीर मंगा लो एक, और पनीर की एक ही मंगाना, पनीर कम स्पाइसी, कम स्पाइसी, कम स्पाइसी चाहिए आपने, फिर तो कई पनीर मंगवा दो, मीठी मीठी चाहिए। पनीर टिक्का मंगा लो एक, फिर हांडी पनीर कर दो, हांडी पनीर करना। हाँ आज मम्मी नया नया कवर लेके आई है फोन का, नया फोन बन गया पुराने से। हाँ देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मेरे का इतना सुंदर कवर नहीं आ रहा था। मेरे का तो कार्टून सा दे रहे थे, मैं वापस दे आई। कार्टून छप रहा था उस पर। लेट आ गया क्या, मेरा नहीं आएगा इसमें कवर, क्यों दिखाएगा ना। कौन सी सब्जी है ये, आंडी पनीर, ये आंडी पनीर मिक्स वेज, सिंपल रोटी तो मेरी और मम्मी की आई है, आप क्या है, मेसी रोटी, अच्छा नीचे मिलाएगी सुमित की मेसी रोटी और सैलेड। सुमित ने ये वाली मिर्ची बहुत पसंद है, ग्रीन वाली मिर्ची यहाँ की। खा लो भाई खाना, आ जाओ आप सब भी। और इस रेस्टोरेंट का खाना ना सच में बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना नहीं होता, जैसे हम घर पे सब्जियां बनाते हैं ना वैसी ही सब्जियां होती हैं, तो मम्मी को भी पसंद आती है यहाँ की सब्जियां। नहीं तो हम कहीं बाहर से जैसे सब्जियां मंगाते हैं ना तो मम्मी बिल्कुल खा के खुश नहीं होती, उनको मिर्च मसाला ज़्यादा होता है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगाती है, लेकिन यहाँ का खाना तो मम्मी को भी पसंद आता है, इसलिए हम हर बार यहीं आते हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ ना, हमने सोचा हर बार एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब की बार रेस्टोरेंट चेंज करके देखते हैं, तो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ खा के बस फिर तो हमें यही का खाना याद आया, क्योंकि वहाँ का हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए अब की बार फिर हम यहीं आ गए हैं।
सही है, देखने में तो बढ़िया लाग रही है। प्याज और हरी मिर्च वाली नान, मेसी रोटी, मेसी रोटी नान भी करवाई, नान आएंगे। और खाना पीना हमारा हो गया है और बस अभी हम चल पड़े हैं वापस घर। और हमने है ना गोलगप्पे खाने की सोची थी, लेकिन खाना खा के ऐसा पेट भर गया ना, फिर गोलगप्पे खाने का मन ही नहीं करा, तो हमने सोचा फिर कभी खा लेंगे। और अभी है ना 9:30 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गई है। अच्छा हुआ हमने खाना खा लिया, नहीं तो अभी घर जाके मेरे को खाना बनाना पड़ता, और थक हार के शॉपिंग करके ऐसे थक जाते हैं ना, फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। पहुँच गए हैं हम घर और अभी 9:45 हो गए हैं, और ले आए हम नायरा की ड्रेस। तो अभी पहले मुँह हाथ पैर धो लेते हैं, फिर मैं आपको ये ड्रेस दिखाऊंगी, रेड कलर की बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और खाना तो अभी बनाना नहीं, खाना तो हम खा के आ गए हैं, तो अभी बस दूध पियेंगे, बस यही काम है, दूध पियेंगे और उसके बर्तन साफ करेंगे, तो यही काम बचा मेरा। तो थोड़ी देर में मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। और चलो अभी मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, जब अभी हम खरीद के लाए हैं सेक्टर 23 की मार्केट से, नायरा की, मेरे देवर की लड़की की ड्रेस, क्योंकि उसका बर्थडे है अभी 19 तारीख का, तो वहाँ पूना भेजनी है, तो जल्दी भी चाहिए थी भी, क्योंकि अभी कोरियर करेंगे तो कई दिन में, तो मतलब हफ्ता भर तो लग ही जाएगा कोरियर वहाँ पहुँचने में, तो बर्थडे से पहले पहुँच जाए, तो इसलिए अभी जल्दी लेनी जरूरी थी। तो ले तो आए हैं, अभी दिखा देती हूँ, मेरी वीडियो देखते हैं पहले से तो उनको तो पता होगा नायरा कौन है। तो मैं अभी जो नए जुड़े हैं वीडियो देखने लगे हैं तो उनको बता देती हूँ, मेरे देवर की लड़की है नायरा, और वो पुन्ना में रहती है अपने नाना नानी के पास, क्योंकि मेरे देवर देवरानी कैनेडा गए हैं, तो वहाँ छोड़ के चले गए उसको, क्योंकि उधर ही उसका मन लगता है। पहले भी जैसे मेरे देवर देवरानी वही जॉब करते थे पूना में, और मेरी देवरानी भी जॉब करती थी, और जब जॉब पे जाती थी ना तो वह अपनी मम्मी पापा के पास छोड़ के चली जाती थी नायरा को, और आते टाइम ले लेती थी, तो वही मन उसका लगा हुआ है, तो इसीलिए अभी भी वो वही रहती है। अभी बस थोड़े ही दिन में शायद 2 फरवरी मार्च तक आ जाएगी मेरी देवरानी, तो फिर वो उसको लेके जाएंगे, उसका भी वीजा आ गया है नायरा का भी, तो फिर उसको कैनेडा ही लेके जाएंगे। तो अभी आप उसकी ड्रेस देख लो पहले, तो ये देखो कितनी सुंदर रेड कलर की ड्रेस है, कितनी प्यारी है, और ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखो ये वाली ड्रेस लेके आई है, रेड कलर की है ये, थोड़ी सी मैरून दिख रही है वीडियो में, तो रेड कलर की चाहिए थी क्योंकि थीम रेड कलर का है ना, तो रेड कलर की पहननी थी, और बहुत ढूंढी तब रेड कलर की ड्रेस मिली है। देखो कितनी प्यारी है ना, छोटे छोटे बच्चों की कितनी प्यारी ड्रेस आती है, और पूरा घेर है इसका, पूरी कैन वैन लगी हुई है, कई सारी लेयर है नीचे भी। तो बताना कैसी लगी है फिरोक, वैसे बच्चों की खासकर लड़कियों की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है, फिरोक को तो इतनी प्यारी प्यारी है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर, तो बहुत ही सुंदर लगी है हमें भी ये। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।